और इसी के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र का आरएयू में कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी की अव्यवस्थाओं पर राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन ने एनएसयूआई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी की अव्यवस्थाओं पर राज्यपाल के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र का आरयू में कार्यक्रम होना है और उससे पहले एनएसयूआई के लोगों ने एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन हुआ कार्यक्रम से पहले। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से जुड़ चुके हैं। अनिल, राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी की अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताते हुए एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई पदाधिकारियों को हिरासत में भी लिया है, तो कैसा माहौल इस वक्त वहां पे बना हुआ है और राज्यपाल का कार्यक्रम कब प्रस्तावित है? होनी थी यहाँ पर दयानंद सरस्वती के जयंती के ऊपर, लेकिन कल ही एनएसयूआई ने चेतावनी दी थी कि वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और साथ ही ज्ञापन देने की बात भी यहाँ पर रखी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन का जाब्ता होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का काफिला रास्ते में नहीं रुकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र से चाहे ज्ञापन देने की बात हो या उनसे मुलाकात की बात हो, पहले परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद में ही मुलाकात हो सकती है। ऐसे में हमने देखा कि सुबह से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में जाब्ता लगाया हुआ था और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी पहरा यहाँ पर दे रही थी कि किसी तरह की अशांति अव्यवस्था यहाँ पर नहीं फैले। और इसी बीच क्योंकि भी राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान यूनिवर्सिटी आना है, और लेकिन उससे पहले तमाम जो एनएसयूआई के स्टूडेंट्स है पदाधिकारी से राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन गेट पर यहाँ पर पहुंचे, नारेबाजी यहाँ पर करने लगे, प्रदर्शन यहाँ पर करने लगे और जमकर नारेबाजी के बीच में जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले से मौजूद था तो तमाम जो स्टूडेंट थे एनएसयूआई के उनको यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि एज ए प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का दौरा हो, या फिर ऐसे भी देखा जाता कई बार मुख्यमंत्री और फिर दूसरे बड़े नेताओं इस तरह का विरोध प्रदर्शन प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता, तो इसी को देखते हुए पहले से ही जाब्ता लगा हुआ था और जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एनएसयूआई के उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेके यहाँ से रवाना कर दिया गया। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुश्किल है, अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः उनके कुछ साथी और जो दूसरे टीम के जो सदस्य हैं, हो सकता है कि जब काफिला आए राज्यपाल कलराज मिश्र का तो यहाँ पर कुछ जो गतिविधि है वो यहाँ पर एनएसयूआई की देखी जा सकती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन फिलहाल मुस्तैदी से मौजूद यहाँ पर है और अलर्ट भी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कई पदाधिकारियों को हिरासत में भी लिया।